तो इस आदमी का जीवन बहुत ही कष्टमय बीतता है। इसमें मृत्यु तो नहीं होती है, लेकिन बच्चा बहुत ही दुबला पतला होगा। चंद्रमा अगर आपके 12वें घर में बैठा हुआ है तो ये बहुत ही ज्यादा किसी भी जातक को प्रॉब्लम देता है। बच्चे की आयु 10 साल होती है, 7 साल होती है, ये आयु संबंधी हम वीडियोस देख रहे हैं। इसमें हम हर बार कहते हैं कि जब भी कोई माँ प्रेग्नेंट होती है तो उसका वास्तु जरूर देखना चाहिए कि वास्तु, क्योंकि बच्चे की कुंडली तभी खराब होगा जब आपका वास्तु खराब होगा। तो वास्तु खराब ना हो, अगर सपोज कीजिए अगर वास्तु आपका खराब है तो अपने रूम को इस प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं, जिसके लिए हमने वीडियोस बनाया, जैसे कि आप कृष्ण भगवान का बच्चे का फोटो लगा सकते हैं, कुछ स्टोन है जो कि अपने पास में रख सकते हैं, कुछ यंत्र है जो कि अपने पास अपने बेडरूम में रख सकते हैं, उड़ता हुआ घोड़े का पिक्चर्स होता है सेवन कलर का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसके हम वीडियोज टोटल वास्तु में बता चुके हैं। लेकिन ये यही चीज होने के बाद जब ये चीज अगर खराब होगा आपका वास्तु, उत्तर पूरब में अगर लैटरिंग है तो आपके बच्चे की कुंडली जरूर से जरूर आपका निगेटिव आएगा, उसी कंडीशन में निगेटिव आता है। तो हम आज बच्चे की आयु के बारे में बात करें। देखिए आयु के बारे में डिस्कस करना शास्त्रों के हिसाब से जो है गलत है, लेकिन साथ जब भी आपके पास में कुंडली आएगा तो ये देखिए, क्योंकि आयु पर भगवान का भी अधिकार नहीं होता है, उसका एक ही आदमी का अधिकार होता है, यो यमराज, चाहे वो आप हो या हम हो, कोई भी आदमी हो। लेकिन जब भी हम कुंडली देखते हैं, जो पराशर बुक ने लिखा है या जो पराशर ने पढ़ाया है, वही चीज हम आपको देने का कोशिश करें। कुछ कंडीशंस है, जैसे कि अगर किसी का 9 या 12 नंबर की कुंडली है, सब कुंडली में मत देख लीजिएगा कंडीशन को, 9 नंबर की और 12 की कुंडली है, यानी कि इसका लग्नेश होगा गुरु, और शनि अगर अष्टम घर में होता है तो इस आदमी का जीवन बहुत ही कष्टमय बीतता है। इसमें मृत्यु तो नहीं होती है, लेकिन बच्चा बहुत ही दुबला पतला होगा, लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल होगा। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर किसी भी जातक का चौथे घर में अगर राहु बैठा हो और चंद्रमा अगर इसके अष्टम में बैठ गया है तो वायु बच्चे की जो आयु होगी वो 10 साल की होगी। ये ध्यान में, लग्न कोई भी हो, आप जब भी किसी भी जातक का चार्ट देखते हैं तो ये जरूर देखिए, ये 10 साल से ज्यादा जी नहीं सकता है। और कभी कभार देखा गया है, जब आप देखेंगे कभी कभार देखा गया है कि इस पे अगर गुरु की तीनों में से कोई भी दृष्टि अगर पड़ जाती है, गुरु की इस पे नहीं राहु पे अगर पड़ जाती है तो ये कम हो सकता है, यानी कि 10 साल अल्पायु तब पर भी कहलाएगा, लेकिन 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 30 साल में घटनाएं घटित हो सकती है। अपनी दशा या अंतर दशा में, लग्नेश की दशा या अंतर दशा में, लग्नेश अगर कमजोर स्थिति में किसी भी जातक का पड़ा हुआ है तो। तीसरा कंडीशन जो है वो कंडीशन है, अगर किसी भी जातक का लग्न में सूर्य बैठा हो या नवम घर में सूर्य बैठा हो, लग्न या नवम घर में सूर्य बैठा हो, कुंडली किसी भी लग्न का हो, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी भी लग्न की कुंडली होगी और यहां पे अगर बैठा हुआ है, चौथे घर में सूर्य बैठा है, नवम घर में सूर्य बैठा है, और गुरु अगर इसके अष्टम में बैठा हुआ है, गुरु अगर अष्टम में बैठा हुआ है, चंद्रमा अगर आपके 12वें घर में बैठा हुआ है तो ये बहुत ही ज्यादा किसी भी जातक को प्रॉब्लम देता है। ये प्रॉब्लम्स इतना दे सकता है कि लाइफ में हर प्रकार के प्रॉब्लम्स को आपको फेस करने का जो है मौका ही नहीं देगा। अगर ये सब, क्योंकि इसकी आयु 7 साल ही होती है, अगर ये कंडीशंस बैठा हो, लेकिन इसमें देखिएगा लग्न मतलब कि अकेला अकेला होना चाहिए, लेकिन अकेला में अगर कोई ग्रह की युति अगर बना ली, जैसे कि सूर्य के साथ में अच्छे ग्रह की युति आ गई, मंगल आ गया, बुध आ गया, या सपोज कीजिए सूर्य के साथ में मंगल अच्छा ही काम करता है, बुध आ गया, शुक्र आ गया, बृहस्पति खुद आ गया, तो क्या होगा कि इस लाइफ आदमी का लाइफ संघर्ष में होगा। अब लाइफ संघर्ष में मतलब कि कुछ कंडीशंस ऐसे आ जाएंगे बीच में ही कि तबीयत खराब हो जाएगा, बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, ये सब कंडीशंस किसी भी जातक में लेकर देता है। तो हम ये अल्प आयु की और डेली वीडियोस हम आपको लेकर दे रहे हैं कि जब भी आपके पास में कोई कंसल्टेंसी आए तो आप इस सब टिक, क्योंकि ये सब तीक्ष्ण रूप से देखने की जरूरत होती है। जैसे लग्नेश देख लिए, नवमास देख लिए, अष्टमास देख लिए, D10 D5 चार्ट देख लिए, अच्छा है उपाय बता दिए, जैसे कि आयु की अगर संबंधी अगर हम बात कर रहे हैं तो उस पर निदान निकालना हमारा कर्तव्य होता है, क्योंकि कोई आदमी अगर स्वस्थ रहेगा तभी फिर वो आपके पास में जो है रिटर्निंग आ सकता है।
या आपके बारे में किसी को सही बता सकता है। तो ये हमें समझना बहुत ही जरूरी होता है जब भी हम किसी भी जातक का चार्ट देखते हैं। अगर इस प्रकार के कंडीशंस है तो आप किसी भी योग ब्राह्मण के पास में या कि जो भी न्यूमरोलॉजी देख एस्ट्रोलॉजी देखता है उसके पास में जाकर अपना चार्ट दिखा सकते हैं। आपका सूर्य और आपका राहु कहां पर है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपके पास में डेट ऑफ बर्थ है, टाइम है, प्लेस है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। कोई एक दो क्वेश्चंस अगर है तो आप पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं आप नई वीडियोस में। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं।